अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू जनजानी टीवी मैं हूं सैयद मसवर अली जंजानी आज का जो दिन है 15 मार्च का दिन आज के दिन आप तमाम लोगों को मिलाद मसूद बीबी जैनबल्ल का मुबारक हो आज के दिन के लिहाज से आसमानी कौंसिल की तरफ देखा जाए पहला जोड़कसन एरी बुर्ज अहमद आप लोगों को आज के दिन अपनी सवारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या फिर ऐसे लोग जो कि ट्रेड यहाँ ज़रात के साथ मुंसलिक हैं एग्रीकल्चर के साथ मुंसिक हैं आपके लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है और दिन के आगाज़ के ऊपर सद का लाजमी तौर के पढ़ते हैं टॉरस बुर्जेर बुर्जेसोर आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है कुछ निजी मामलात आप लोग काफ़ी हद तक उनको हल करने के लिए कोशां रहेंगे आप लोग अपने पर्सनल मैरिट्स को सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे ना सिर्फ ख़ुद से बल्कि मुखलिस लोगों के साथ चीज़ों को शेयर भी कर पाएंगे तो आज के दिन आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का हामिल रहेगा न एक जोड़साइन जमाय बुरज़ा बुरज जौजा वालों को जो आज का दिन है काम के साथ साथ अपनी सेहत के ऊपर भी तोज्जो दें और कल के दिन जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर दें आज का भी दिन थोड़ा सा उसी का तसलसल है सेहत और फैमिली मेम्बर्स दोनों के लिए वक्त आपके पास ज़रूर रहना चाहिए न एक जोड़ कन्सेरियंस बुरज सरदान बुरज सरदान आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है किसी करीबी साथी की वजह से जहनी दौर के ऊपर थोड़ा सा डिप्रेस नजर आता है ये डिप्रेशन से वक्ती होगा बहुत ज्यादा इसको अपने ऊपर हावी मत करें क्योंकि थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव भी नजर आता है तो आप लोग इस डिप्रेशन से बहुत जल्द निकलने वाले हैं अपने ऑन रूटीन कामों को बिल्कुल डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है लियो बुर्चेस। बुर्चेस आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है किसी आ आने वाले मुस्तबल के मंसूबे के ऊपर चीज़ों को प्लान आउट करते हुए नज़र आएंगे आप लोग दूसरों के ऊपर अपनी हाकमियत बहाल रखने के लिए ख़ुदातमादी बहाल रखने के लिए वर्किंग करते हुए नज़र आएंगे तो आज का दिन काफ़ी हद हाँ तक मुतहरक एक्टिव और कॉन्फिडेंस में इनशाला गुजर पाएगा शुमला बुरज शुमला के हामिर जो लोग हैं आज के दिन के से दूसरों के साथ लेन देन करते बात बहुत ज़्यादा खुश अखलाक़ी का मुजाहरा करें लेकिन लेन देन को लिखत पढ़त में तरतीब दे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा क्योंकि आज के दिन के अबार से दूसरों पर ट्रस्ट करना कतई तौर के पर इतना मुनासब नहीं है नए एक एक लिब्रा बुरज मैजान बुरज मैजान के हामिल जो लोग हैं आप लोगों की जिम्मेदारियों में काफ़ी हद तक इन इजाफा देखने को मिलता है लेकिन जितना ज़्यादा इजाफा होगा आप लोग उतनी ही खुशसलूबी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी पाएंगे न एक दिन स्कॉर्पियंस बुरज अकरब बुरज अकरब के हामिल जो लोग हैं कुछ अधूरे ख़्वाब अधूरे मंसूबे, उनको पूरा करने के बारे में आज के दिन काफ़ी हद हाँ तक सरगर्दा नज़र आते हैं अमली तौर के ऊपर कुछ ज़द्दहद करते हुए नज़र आते हैं चीज़ों को तहैल से हकीकत की तरफ ढालने में आप लोग काफ़ी हद हाँ तक एक्टिव व मतहरक हैं और आज के दिन बहुत ज़्यादा आप लोग डिले में हुए हुए जो काम हैं उनको भी इन शायद तक मेरी तरफ़ पहुँचा पाएंगे ियंस आप लोगों का जो बेसिकली आज के दिन है मुलाजमती मामल की अदायगी में बहुत ज़्यादा इजाफी तोज्जो की जरूरत है और अपने मातहत या कोवर्कर्स कतई दौर के ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रलाई करने की ज़रूरत नहीं है मायूसी रह सकती है अदरवाइज प्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन इंस आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन के अतबार से आप लोगों को अपने कोवर्कर्स साथी और अपने बहन भाई अजीज वकारी किसी भी फर्ड के साथ बहस व तकरार की ज़रूरत नहीं है और अगर खुदा खुदाना खास्ता कोई ऐसी कैफियत आ जाती है दरगुजर कर देना खामोशी अख्तियार कर लेना आपके हक में ज़्यादा मुनासिब है अगर आप किसी भी बात के ऊपर पलट के जवाब देते हैं बहस तूल पकड़ेगी और आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने की भी इंडिकेशन है ज बुरज एकवेरीज आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन के एतबार से किसी खास मकसद के तहत सफ़र दरपेश रहता हुआ नजर आता है लेकिन सफर आपके लिए काफ़ी हद तक इन वसीला ज़फ़र साबित होगा लेकिन सफ़र से पहले सदका और इसके साथ साथ दौरान सफ़र अपने सामान और सवारी दोनों की ही एहतियात बरतना लाजम रहेगा लास्ट जॉडिकस एन स्पाइस बुरजे हॉथ आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन के एतबार से कुछ निजी मामला तवज्जो के हामिल नज़र आता है कुछ रिलेटिव से रिलेटेड चीज़ें कुछ तवज्जो की मुस्तहिक नज़र आती हैं तो आज के दिन अपने पर्सनल मैरट्स और रिलेशनस को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो आज के दिन ज़्यादातर फोकस्ड आपका पर्सनल मैरट्स और रिलेशनशिप रहने चाहिए आज के दिन के लिहाज से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत दें अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह शाला ज़िंदगी आपसे कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह